थोड़ा सा एक बार दिखा दो भैया। ओए अवधानी तुम डर रही हो? बहुत ज्यादा। ठीक है, हो गया हो गया। अभी एकदम चुपचाप बैठो। आए चलो, आज का वीडियो भयंकर खतरनाक होने वाला है। नहीं, इस दरवाजे को बंद करना होगा। हाँ, बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर वो भयंकर खतरनाक बाढ़ दिखाने से पहले कुछ काम है। जैसे ये जो सल्फर क्रिस्टेट का एक बेबी है, बहुत सुंदर है, बहुत जायंट साइज का है, लेकिन इसका नाखून इतना तेज है, ये तो बहुत प्यारा है, क्या कहूँ, मतलब एकदम पूरा टाइम साथ में रहना बहुत पसंद करता है, लेकिन इसका नाखून इतना तेज है, मतलब इसको लेके थोड़ा सा प्यार करूँ, टाइम स्पेंड करूँ, ये बहुत दर्दनाक होता है। इसका नाखून इतना तेज छींकता है, तो सबसे पहले इसका नाखून क्लीन करेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। एक्चुअली बहुत सारा वीडियोस में कहता रहता हूँ कि ब्रीडिंग के टाइम, ब्रीडिंग का एज में कोई भी बार्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन कितना ज़्यादा भयंकर खतरनाक एग्रेसिव होता है वो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले इसका नेल ट्रिमिंग करना है। काटो मत, तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। नहीं, तुम इतना बदमाशी मत करो। देखो सब ले लिया। अच्छा, खेलने दो इसे। और उसी के साथ ये मोलक्कन का दो बहुत खूबसूरत सा बेबी। चलो तुम लोग भी आ जाओ, थोड़ा सा खेल लो। चलो आ जाओ, पहले बाहर तो आओ। क्या टाइम है, एकदम पूरा ठंडा हो गया, पसीना पसीना हो रहा था, लेकिन अभी एकदम। चलो तुम भी आ जाओ। अरे इतना हल्ला मचा, इतना शोर शराबा नहीं, चलो आ जाओ। ओ मतलब उन दोनों का नाखून तो ठीक है। नहीं, इसको थाप लेके खेलना है। ये खेलने का क्या तरीका है यार। अच्छा ठीक है, हो गया। अभी एकदम चुपचाप बैठो। इतना जोर से चिल्लाओगे तो वीडियो कैसे बनाओगे यार। सबसे पहले इसका नाखून को ट्रिम करना होगा, क्योंकि खेलेंगे इन सब के साथ, प्यार से खेलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन इसका नाखून इतना छोटा है। हो गया। वीडियो कैसे बनेगा। अच्छा ठीक है चंद्रा। हाँ। सबसे पहले तैयारी करो। नहीं, वहाँ बैठ नहीं पाओगे यार। चलो सबसे पहले तुम्हारा नेल ट्रिम कर देते हैं, उसके बाद सब होगा। अच्छा थोड़ा सा खेल लेने देते हैं, उसके बाद फाइलर भी रेडी है और उसी के साथ नेल कटर। अगर आप एकदम फर्स्ट टाइम है, मतलब बार्ट का नाखून जो हम लोग ट्रिम करेंगे, बहुत ही सावधानी से हम लोग को करना होगा। अच्छा आ जाओ, चुपचाप बैठो। हाँ नहीं, तुम चढ़ो मत, तुम्हारा नाखून बहुत तेज है, बहुत छूटता है। तुम भी आ जाओ। हाँ एक्चुअली हम लोग बर्ड्स का जो नाखून ट्रिम करेंगे, बहुत ही सावधानी से हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स का नेल में वेन रहता है। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी ज़्यादा ट्रिम कर दिया, ज़्यादा कट हो जाएगा, तो खून निकलना शुरू हो जाएगा और उस खून को इतना आसानी से रोकना, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, बंद तो हो जाता है लेकिन बहुत सारा खून निकल जाता है। उसके बाद बहुत टाइम के बाद वो खून बंद होता है। ऐसे घर में टर्मरिक न्यूस्प्रिन पाउडर लगाना पड़ता है वगैरह, मतलब वेन है डायरेक्टली कट जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा खून निकलेगा। इसी के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम है तो ऐसे फाइलर से भी ऐसे घिस घिस के, और घिसना कैसे है, देखिए बार्ड्स का यहाँ पकड़ के आप घिसिएगा मत। हाँ ठीक है, एक सेकेंड इसको पकड़ो, तो नाखून को ऐसे करके पकड़ना होगा, नाखून को आप पकड़िएगा, देखिए नाखून को ऐसे पकड़ के ऐसे घिसना होगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग अगर यहाँ पकड़ेंगे तो पूरा नाखून हिलेगा, यहाँ दर्द होगा, तो नाखून को ऐसे करके पकड़ के एकदम
ऐसे करके घिस घिस के मतलब करना पड़ता है। और मेरा तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ट्रिम कर सकता हूँ। मोलक्कन का तो ठीक है, लेकिन सल्फर क्रिस्टेड का वो मतलब उड़ उड़ के सर पे आके बैठता है और उसका तेज नाखून जब छुपता है। अच्छा, इसका भी ट्रिम करना होगा क्या? हाँ, इसका भी ट्रिम। चलो सब एक साथ बैठो तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आओ आ जाओ तो चुपचाप। थोड़ा सा मस्ती हो गया है। नहीं 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 नहीं, अभी और नहीं उड़ना। प्लीज़ प्लीज़ बैठो 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 बैठो, थोड़ा सा बैठो चंद्रा, थोड़ा सा पकड़ो तो। और नाखून जैसे काटना है, ये जो नोकीला पोर्शन है थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा काटना है। थोड़ा ज़्यादा काटेंगे तो खून खून निकल सकता है। एकदम थोड़ा थोड़ा करके, एक एक मिनट का टाइम दो, उसके बाद बहुत मस्ती होगा, बहुत खेलेंगे बहुत खेलेंगे। अगर आपके बार्ड बहुत ज़्यादा नॉटी है तो थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके पकड़ के आप ये करेंगे, लेकिन ऐसे आहिस्ते से अगर पकड़ेंगे नहीं, तुमको हो गया। एकदम जो नोकीला पोर्शन है वही हम लोग काटेंगे, नहीं तो ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा काट हो जाएगा तो खून निकलना शुरू और वो रुकना बहुत मुश्किल होता है। हो गया, फायरिंग कर दो थोड़ा सा, थोड़ा सा कर दो रुद्रा। अच्छा, और एक बाकी है, ट्रिम जो करेंगे बहुत ही सावधानी से, टाइम लगे, अगर किसी का हेल्प चाहिए तो आप ले लीजिएगा, लेकिन हड़बड़ी में अकेला मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा काट जाएगा तो खून निकल जाएगा, ठीक है ना? हो गया, कट कर दिया। नहीं, अभी और नहीं छुपेगा, अभी खेल सकते हैं, अभी खेल सकते हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हो गया, दिखाओ तो। डर लग रहा है। एक्चुअली इन लोगों को छोड़ दिया था रूम का अंदर, तो पंखा मजबूरन बंद करना पड़ा, नहीं तो पंखे में जाके टकराएगा तो रिस्क हो सकता है। नहीं, और नहीं छुप रहा। नहीं, और एकदम बिल्कुल नहीं छुप रहा है। चलो 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 जाओ तो, अभी पंखा ऑन होगा, थोड़ा सा कर देते हैं। नाखून दिखाओ तो। अच्छा अच्छा, एकदम थोड़ा सा ट्रिम करना है, एकदम जो नोकीला पोर्शन होता है थोड़ा सा। गुड बॉय, किसी का मदद ले लीजिएगा, अकेले करना, अगर आपका बार्ड बहुत ज़्यादा छटपटाता है तो किसी का मदद लेके ऐसे करना सही रहता है। ठीक है, हो गया। मांका की तरह तुम भी फाइलिंग कर दो थोड़ा सा। दिखाओ तो। हो गया। तुम्हारा नेल काट भी कर दिया और फाइलिंग भी कर दिया, तो अभी तुम एकदम, जो नेल ट्रिम करने देगा वो बिस्तर में अलाउ होगा, जो नहीं करेगा उसको हम लोग रूम का ऊपर या कांधों पे नहीं लेके जाएंगे। चलो बैठो। ये सबसे ज़्यादा बदमाश है, नहीं कहीं नहीं जाना, नहीं दिखाओ तो। हाँ, ये उतना टाइम नहीं देगा, थोड़ा जल्दी करना। हो गया, और 2 मिनट। तुम भी अच्छे बच्चे हो ना? हाँ, थोड़ा सा बहुत ध्यान से, ज़्यादा ना कटे ये वाला पैर। चंद्र इसे रुक, क्या कर रहे हो? ये नहीं, माइक खराब कर देगा। अरे एक मिनट टाइम दे दो। अरे रुको, कुछ भी कर लो, क्योंकि घर में छोटा छोटा बच्चा रहते हैं, रुद्रा, राजोष्टी, रोथिन, और इन लोगों का इतना तेज़ नाखून रहेगा, अगर उड़ के जाके कंधों पे बैठेगा या सर पे बैठेगा तो मुश्किल हो सकता है। नहीं छोड़ूंगा। चलो 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 चलो, हो गया, अभी फाइलिंग थोड़ा सा। ओह हाँ, नहीं अभी चलो इसका थोड़ा। अरे उसका उतना वजन नहीं है, वो उतना नहीं छूटता है। चलो आ जाओ तो, मैं कर देती हूं। आ जाओ। बहुत खेला, नाखून ट्रिम हो गया, अभी बैठना है, नहीं और बाहर नहीं आना है। चलो तुम भी आ जाओ। चलो। गुड। हो, अभी पंखा ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। पसीना हो रहा हूँ, पसीना छूट गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी 2 मिनट बैठेंगे और उसके बाद, जैसे कहा था कि बर्ड्स कितना ज़्यादा, कितना खतरनाक हो सकता है, वो आप सभी को दिखाएंगे। सच में
मैं एक बार गया था, वीडियो बना नहीं पाया, मैं डर के वापस आया। चंद्रा अभी तक नहीं गई हो, तुमको भी लेके जाएंगे, लेकिन डरना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, डरना मना है। अगर डर गई तो फाइन लग जाएगा। पैरट दीपंकर अगर बाढ़ से डर गया, उसका वाइफ अगर बाढ़ से डर गया तो बदनामी हो जाएगा। चुपचाप सीना तान के खड़ा रहना है, सच में पीछे ही रहना, आगे मत आना। आप लोग सोच रहे हैं कि बाढ़ कहाँ तक, ऐसे क्या एग्रेसिवनेस है, देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ सच में कोई भी डर जाएगा फर्स्ट टाइम, मतलब उन लोगों का जो एटीट्यूड मूवमेंट, ऐसे लगता है कि वो पीछे दौड़ा दौड़ा के काटेगा ऐसे। चलिए अभी जाएंगे, दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, डरना नहीं है। अभी अभी तक पैकेजिंग कंप्लीट नहीं हुआ आज का? नहीं, नहीं। अभी कितना बाकी है? 70, उसके बाद 70-80-100 करके तो हर दिन पार्सल निकलता ही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट्स के लिए बेस्ट क्वालिटी का प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो जस्ट डाउनलोड द ऐप पैरट दीपंकर स्टोर फ्रॉम एंड्रॉयड प्ले स्टोर और एप्पल आई स्टोर। मतलब वहां जाके एंड्रॉयड प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में जाके जस्ट सर्च कीजिए पैरट दीपंकर स्टोर और डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहां जस्ट साइन अप कर लीजिए आपका एड्रेस वगैरह देके, और आपका पसंदीदा प्रोडक्ट चूज़ करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अभी खतरनाक चीज़ देखने के लिए खतरनाक जगह से आना पड़ता है ऐसे, मतलब इतना सारा सामान, इतना मतलब अलग एक गोडाउन है, फिर भी इतना 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 ज़्यादा सामान है पैरट दीपंकर स्टोर के लिए, तो ऐसे इस हालत में आना पड़ता है। और ये रहा वो खतरनाक जगह, इसी खतरनाक जगह में वही खतरनाक एग्रेसिव मूवमेंट हम आप लोगों को दिखाएंगे। एक्चुअली नहीं नहीं, अरे धीरे धीरे आ जाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा साउंड नहीं करना। बहुत दिनों से बहुत सारा लोगों का कमेंट्स था कि दादा ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाइए, ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाइए। चंद्रा धीरे से आओ, धीरे से आओ, धीरे से आओ, नहीं आस्ते से उड़ना। और एक सिस्टम है कि कहीं भी बर्ड्स केज का अंदर आप जाइए, मतलब जहाँ ब्रीडिंग के लिए रखे हैं या नया बर्ड लेके आए हैं, तो वहाँ आपका जो मोमेंट होगा, हर एक मोमेंट, जैसे हम ये साफ करेंगे तो यहाँ जो बैठेंगे ऐसे ऐसे करके बैठना है, एक एक मोमेंट आपका स्लोली होगा, हड़बड़ी में जब उठेंगे ऐसे ऐसे करके उठेंगे, नहीं तो ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे करके उठेंगे, ये काम करेंगे, नहीं ये नहीं चलता है। अगर प्रॉपर वे में आपको, मतलब केज का अंदर, ब्रीडिंग केज का अंदर आके या बार्ड का सामने जाके आपका मूवमेंट, हाँ आपका एकदम, मतलब बहुत दिन से वो एकदम फुल्ली टेम्ड है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, पूरा अटैचमेंट है, तो तभी आप कर सकते हैं। जैसे ये, इसके सामने हम, मैं कुछ भी करूं, लेकिन जब कोई बार्ड ब्रीडिंग में आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा प्राइवेसी उनको चाहिए होता है, ज़्यादा करके बड़े बार्ड, तो हम लोगों का एक एक मूवमेंट स्लोली होगा, शांति से होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ वो देखिए, अभी से मैं कोशिश करूँगा ऊपर चढ़ने के लिए और दिखाऊँगा कि क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। इससे पहले एक बार कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया। हाँ कर दिया ख़राब। हाँ इसको थोड़ा सा अभी मोड़ के ऐसे रख लो, बाद में सोचेंगे इसको, मन खराब हो गया। इससे पहले तो एक बार आया था, बहुत कोशिश भी किया लेकिन हमसे हो नहीं पाया। अंडा है या बच्चा है वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ होगा, 100% मेरा गारंटी है, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है। तो चलिए अभी भगवान ऊपर अलग गॉड का नाम लेके थोड़ा सा चढ़ता हूँ। थोड़ा सा चेक कर लेने दो एक बार। बाप रे, ये उतर पाऊंगा नहीं वो तो पता नहीं। ओए सावधानी, तुम डर रही हो बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है बाबा रे बाप, अरे नहीं नहीं नहीं, एक बार, अरे क्या है, एक बार चेक तो करना होगा ना, दिखाओ तो। अच्छा एक बार हमको क्या होगा, दिखाओ, रुको रुको रुको, कुछ नहीं होगा, एक बार वो बाहर आएगा कि नहीं, वही डर रहा हूँ।
थोड़ा सा एक बार दिखा दो यार। हाँ हाँ शायद अंडा है। हाँ जी थैंक यू चेक करने देने के लिए, मौका दिया चेक करने का। वाह उस दिन तो आया था, इससे कहीं गुना ज़्यादा भयंकर मोमेंट था। हाँ इससे कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा आज से 2.5-3 महीना होगा। ये ड्राम को मैं खुद अपना हाथों से ये सब लगा के, अच्छा यहाँ नहीं नहीं मैं निकलता हूँ, अच्छा बाहर जाके बात करते हैं। हाँ। बाहर जाके बात करते हैं एक्चुअली। धीरे धीरे पहले बंद कर देते हैं। दोनों का दोनों दिया। गोल्ड ज्वेलरी। दुखी मत हो मैं बना दूंगा। चलो इसको भी खोल के रखो, नहीं तो ये और भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है खोल लो। अरे अरे तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये क्या कर दिया यार। अच्छा ठीक है आ जाओ। हाँ ये मेरा पॉकेट में आ रहा है, मतलब हमको सही करा के देना है। नहीं तुम रखो ना। हाँ बाकी का और क्या है उसके लिए गए हैं, सब खराब कर दो। ठीक है खर्चा बढ़ गया मेरा। क्या कर दिया रे। तो जैसे कह रहा था कुछ दिन पहले यहाँ, मतलब वीडियो बनाया था कि तीन चार महीना पाँच महीना ऐसे, मतलब पीछे का वो जो वीडियो है, वीडियो जब पब्लिश हुआ था उससे 2-3 दिन पहले शायद हम लोगों ने शूट किया था। तो तभी प्लान बना के ये कि प्राइवेसी चाहिए, और ये एक्चुअली ये जो ब्लू गोल्ड का पेयर है ये तो मेरा नीचे था, वहाँ मीटिंग करता था, नेस्ट बॉक्स के अंदर जाता था, लेकिन अलग अलग लोगों का आने का कारण वहाँ ऐसे मतलब ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ हो रहा था। छोटे बर्ड्स तो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन बड़े बर्ड्स का सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए सही माहौल सही जगह होना बहुत ज़रूरत है। नहीं तो मतलब जब तक उन लोगों को 100% प्राइवेसी, 100% सिक्योरिटी, 100% कॉन्फिडेंट ना आ जाए कि हाँ ये जगह सही है, हम लोगों को हर दिन जो खाना दिया जा रहा है ये सफिशियंट है, अगर हम लोग अंडा ले करेंगे वहाँ से हम लोगों का नया चिक हैच होगा और यही खाना खिला के सही से पाल पोस के हम लोग उसे बड़ा कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट उसी के साथ प्राइवेसी, जब मैं अंडा ले करूँगी जब हैच कराऊँगी तो दूसरा बाहर से कोई एनिमीज या कोई भी आके मेरा अंडे को या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, ऐसे सारे प्राइवेसी और सफिशियंट खाना, ये कॉन्फिडेंट उन लोगों का अंदर आ जाए तभी एकदम इजीली ब्रीड कर देते। तो तभी ऐसे हालत में उतना इजीली तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है। तो मैंने तभी बोला था कि हाँ मैं सेपरेट कर दूंगा तो बहुत ही जल्दी ब्रीड मिल जाएगा, और सच में इतना जल्दी हम लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस, ब्रीडिंग रिजल्ट देखने के लिए मिल गया। पूरा दिन काम में बिजी रहता है, ऊपर से आके सारे छोटा छोटा बेबी बर्ड को हैंड ब्रीडिंग कराता है, और ब्लू गोल्ड का ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के बाद वो एक्साइटमेंट नहीं मिला। रीज़न ये है। और ये आया नया, ये बेजिस के लिए है ना, लव बर्ड्स के लिए है ना। ओ ऐसे होगा। और यहाँ ऑब्जर्वेशन गेट ना, दिखाओ तो। वाओ लव बर्ड के लिए जंगल का फील, वाइल्ड का फील देने के लिए ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, देखो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। ये 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 सब चीज़ नया आया, ये एकदम मतलब ये बहुत हार्डवुड है, और एक्चुअली ये जो सनकोनियर है ये सडनली एक लंबा उड़ान लगाया, मतलब वहाँ से एकदम पूरा राउंड करके घूम के फिर से आके यहाँ चुपचाप बैठा, इसी के लिए ऊपर आ गया। और तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दूसरे फ्रेंड्स से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डिग्री आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। पागल कहाँ चले गए थे, इतना लंबा उड़ान लगाया, वो जो बिल्डिंग्स है उसका पीछे से लेके घूम के पूरा मार्केट से घूम के उसके बाद फिर से यहाँ आके बैठा। यहाँ सनसेट में आके बैठा, एकदम कंधों पे आके बैठता तो एकदम 100% दे देता, लेकिन 80% मिला, मतलब फ्री फ्लाइट में 80% इसको दिया जाता है। और करने में? और मत कहो, 3-4 बार ऑलरेडी तुमने बोल दिए। ठीक है ओके सब समझ गया, ओके ठीक है बाय बाय। नहीं नहीं वीडियो खत्म हो गया, बाय बाय कर दो, बंद कैमरा।